नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चलिए राजस्थान की आज की ताजा खबरें जान लेते हैं। और दोस्तों, आप राजस्थान समाचार पे नए आए तो उस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। राजस्थान में 3 लाख किसानों को होगा फायदा। जहां दोस्तों गहलोत सरकार अब सचेत हो गई है। कल आए 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस सरकार अब सचेत होने वाली है, क्योंकि 5 ही राज्यों में उसके सूपड़े साफ हो गए हैं। और 2023 में राजस्थान में भी चुनाव है। वह नहीं चाहते हैं कि इन 5 राज्यों की तरह राजस्थान का भी हाल हो। इस चुनाव के नतीजों को देखते हुए सरकार अब किसानों के कर्ज माफी जैसा बड़ा कदम उठाने जा रही है। वहीं सहकारी क्षेत्र के किसानों का 14,000 करोड़ का कर्ज माफ करने के बाद अब राजस्थान सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के कर्ज से दबे किसानों को राहत देने की तैयारी में है। इसके तहत सरकार ने बैंकों को प्रस्ताव भी दिया है कि वह किसानों के लिए एक मुस्तैद समाधान जैसी योजनाएं लाएं। हाल ही में राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक और नाबार्ड के राज्य स्तरीय कर्ज सेमिनार के बाद मुख्यमंत्री ने यह प्रस्ताव भेज दिया है और जल्द ही किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। मुखबिर योजना में 3 लाख का इनाम। राज्य सरकार ने भ्रूण लिंग जांच को रोकने के लिए मुखबिर योजना के तहत 3 लाख की इनामी राशि की घोषणा की है। CMHO डॉक्टर कुणाल साहू ने बताया कि PCDNDT अधिनियम को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए राज्य में मुखबिर योजनाएं चलाई जा रही है। भ्रूण लिंग जांच करने वाले केंद्रों या व्यक्तियों को सही जानकारी देने पर मुखबिर योजना के तहत कुल 3 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। समाज को बेटी बचाने के लिए जागरूक करना और गर्भाधारण से पहले और डिलीवरी से पहले निदान तकनीकी के गलत इस्तेमाल को रोकना है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। पेट्रोल डीजल भरवाने में लगी है लाइनें। दोबारा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंकाएं हैं। लोगों को ये डर सता रहा है कि यूक्रेन युद्ध के बाद अब भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। ऐसे में कई जगहों पर पेट्रोल पंपों पर वाहनों में पेट्रोल डीजल भरवाने की होड़ मची हुई है। गाड़ियों के साथ प्लास्टिक और लोहे के ड्रमों में भी लोग ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल डीजल का स्टोरेज करने में लगे हैं। वहीं भारत में 5 राज्यों के चुनाव के बाद अब पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20 से 25 रुपए लीटर की बढ़ोतरी अगले कुछ दिनों में हो सकती है। चलिए दोस्तों, आज के पेट्रोल डीजल के ताजा भाव जानते हैं। तो पेट्रोल है 108 रुपए और 64 पैसे, डीजल है 92 रुपए और 15 पैसे। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। डिस्कॉम क्षेत्र में इस योजना के तहत चित्तौड़गढ़ से करीब 68,000 से ज्यादा किसान फरवरी और मार्च महीने में इस योजना से लाभान्वित होंगे। योजना के तहत अनुदान का लाभ पाने के लिए सभी पात्र किसान उपभोक्ताओं को अपने बिजली का बकाया बिल मार्च माह तक जमा कराना होगा। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामान्य श्रेणी ग्रामीणों के कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्रा ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी ग्रामीणों के कृषि उपभोक्ताओं को बिलिंग माह मई में 2021 में विद्युत बिलों में 1,000 प्रति माह एवं अधिकतम 12,000 प्रति वर्ष का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। यूपी समेत 4 राज्यों में जीत गई है बीजेपी। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बोले, यूपी की जीत में छिपी भविष्य में राजस्थान की प्रचंड जीत। दोस्तों, ये थी राजस्थान की आज की ताजा खबरें। ऐसी ही खबरें जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, उस जिले का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।